पर आगे इसके कुछ पुराने कुछ नए पर है। हाँ। अब ये कबूतर कैसे जब तक उड़ा नहीं, जब तक उड़ते भी नहीं। दोनों साइड के सफेद पर है, अलग ही जाक्चीनी कबूतर है ये। कबूतर मैं लाया था उधर हैदराबाद से। हैदराबाद का कबूतर? हाँ, हैदराबाद से लाया था कबूतर, मैं जोड़ा ही लाया। ये गजरा कबूतर मेरे दोस्त के यहाँ पर बच्चे बना लेके गया था, लेके आया मैंने। हाँ। ये कबूतर भी 10 साल का है। इसकी उड़ान क्या थी? ये मेरे कहने 3:30 बजे तक से आया है। दोस्तों ऐसे कबूतर देखने को बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, जैसे कबूतर इनके पास में बहुत ज्यादा मस्त है। देखो इसका दोस्तों कलर ही कितना प्यारा है, धुम्मा है, पूरा धुम्मी धुम्मी कबूतर। दोस्तों हम बाहर जाने वाले कबूतर की वीडियो बनाने के लिए, मेरा दोस्त है और ये इनकी इधर में कबूतर की बेटी है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं बाहर। तो अभी जैसे हम लोग आए शेर सिंह भाई के यहाँ, आपको मैं इनके कबूतर का शौक कराऊंगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कबूतर की पेटी है, ये एक पेटी है, ये एक पेटी है, इधर एक पेटी है और इधर एक पेटी है। वैसे दोस्तों इससे पहले भी मैं इनके पास में आया था कबूतर का शौक कराने के लिए, और अभी दोस्तों फिर से मैं इनके पास में आया हूँ कबूतर का शौक कराने के लिए आपको। ये इनके कुछ कबूतर है, यहाँ पे कलसी का पट्टा है, अंदर जाक्चीनी कबूतर है। ये है शेर सिंह भाई, जिनके दोस्तों कबूतर का मैं आपको शौक कराने वाला हूँ। अभी बंद कर रहे हो कबूतर? ठीक है ना। वैसे तो अभी इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब पूरे कबूतर का शौक नहीं करेंगे, मगर जो भी जितने भी कबूतर दिखेंगे उतने कबूतर का आपको शौक कराता हूँ मैं। और आज दोस्तों मेरे साथ में मेरा दोस्त भी आया, ये हरीश भाई, और ये इनकी कुछ कबूतर की पेटी है। देखिए इधर एक पेटी है, ये एक पेटी है, ये खैरा कबूतर है, मादी है, मादी खैरे कबूतरी है, घर की नस्ल के है। एक साल के हो गए ये कबूतरी, ये भी उड़ाने वाला था मैं इसको, नहीं कि 1:30 बजे तक से उड़ी, फिर उसके बाद में नहीं कि मैंने इसको रोक दिया कबूतरी को। हाँ ओके। हाँ देखो दोस्तों इसकी काली चोंच है, सफेद आगे इसकी और काले नाखून है, ये घर की पट्टी अपनी है ना। हाँ, घर की पट्टी है। तो माँ बाप भी बताता हूँ मैं आपको, ये मादी कबूतरी होगी, मादी कबूतरी है, ये बाप है उसको, देखो खैरा क्या गजरा है, ये गजरा कबूतर, गजरा कबूतर। इसकी प्योर व्हाइट आइज दिख रही, और देखिए दोस्तों कितनी छोटी खोपड़ी है इसकी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मस्त कबूतर है ये, एकदम काली चोंच है, सफेद आगे इसकी और काले नाखून है, काले नाखून का। ये उड़ा हुआ अपने पास में? हाँ, उड़ा हुआ कबूतर है। हाँ ओके। ये फिर भी अभी 10 साल का ऊपर हो गया कबूतर है, इसके इसकी मादी भी है मेरे कन्ने। ये उसकी मादी है, ये मादी है जाक्चीनी, और इसकी पट्टी खैरी है। हाँ, वो खैरी पट्टी इसकी है, पुरानी मेरे कन्ने मेल के है ये कबूतरी। काली चोंच है, प्योर व्हाइट है इसकी, देखे दोस्तों ऐसी कुछ कबूतरी है ये, और काले नाखून है प्योर, ऐसा नहीं कि काले साबुत नाखून है। पहले जब मैं तुम्हारे पास में आया था तो पहले बहुत ज्यादा कबूतर थे, अभी कम हो गए थोड़े है ना। हाँ, बीमारी से बहुत से कबूतर चले गए, मगर अभी जो है वो भी मतलब ऐसी कम नहीं, अच्छे कबूतर है, अच्छे कबूतर पूरे। ये देखो ये धुम्मी बहुत मस्त दिख रही है, बहुत पुरानी मिलमे का कबूतर दिख रहा है, धुम्मी पुराने कबूतर है, धुम्मी मादी है ये। ये कबूतर भी उड़ाया मैंने, जब ये कबूतर उड़ने लगे बताया ना आपको मैं। हाँ। तो इधर के साइड साइड के गोदे खत्म हो गए थे, उस समय भी उड़ने निकली कबूतरी, मैंने बोला फिर अभी रोक दो इनको, देखेंगे फिर अगले साल में। फिर भी क्या टाइम था मादी का ये टाइम? मेरे कहने 2 बजे तक शुरू हो गई थी इसके आना, तो उस टाइम पे कोई बाजी लेने वाला था नहीं आपके टक्कर में। साल सादे में उड़ाया मैंने इसको, बहुत ज्यादा मस्त है। देखो इसका दोस्तों कलर ही कितना प्यारा है, धुम्मा है, पूरा धुम्मी धुम्मी कबूतरी है, बहुत मस्त है। आपके आगे जो कबूतर है ना, हाँ। बाकी लोगों के आगे मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े कबूतर है, ऐसा क्यों? बड़े कबूतर है ये। हाँ। बड़े बड़े नस्ल है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 बच्चे कबूतर के, और दो दो बच्चे बुलवाते हैं आप क्या, एक एक बच्चे बुलवाते? मैं दो दो बच्चे फुलवाता हूँ। देखो ये धुमा धुमा कबूतर नहीं गया, अभी जो मादी बताया था आपको नहीं गया भाई, ये कबूतर। वाह दोस्तों बहुत ही प्यारा कबूतर, देखिए आप क्या धुमा कबूतर है, आपको आग दिखाता है इसकी मैं। देखिए भाई ये प्योर व्हाइट है, बहुत ज्यादा मस्त कबूतर है, बहुत मतलब पुरानी नस्ल के कबूतर है इनके पास में। पुरानी नस्ल के कबूतर है, जवान है, अभी 2 साल का हो गया। तो इसकी क्या उड़ान थी? ये इसके साथ में उड़ते थे दोनों साथ में। हाँ ओके। हाँ, उसका भाई है ये। अभी पर कच में भी है क्या आपने? नहीं, अभी पर झड़ा झड़ा के नहीं, परदार हो गया कुछ, पर आगे इसके कुछ पुराने कुछ नए पर है। हाँ। अब ये कबूतर कैसे जब तक उड़ा नहीं, जब तक उड़ते भी नहीं। कबूतर ये वाला देखो, बता रहा आपको मैं, ये कबूतर तितली उड़ान उड़ता है। देखो जैसा ऐसा कुछ कबूतर है ये, इसकी सफेद पलक है, प्योर व्हाइट है इसकी,
और बहुत ही ज्यादा मस्त कबूतर है। काली नखूर नली भरा कबूतर है। नली भरा है क्या? दोस्तों ऐसे कबूतर देखने को बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, जैसे कबूतर इनके पास में। इसकी क्या टाइमिंग थी? ये टाइम मेरा कहना नहीं कि 1 बजे तक से आया, ये जवान कबूतर है। हाँ ओके, तो अभी इसको सीजन में उड़ाएंगे अगले साल। सीजन में उड़ाऊंगे, पर झड़ा झड़ा के नहीं, परदार हो गए कबूतर ये। बारिश में आपने पर नहीं काटे थे कबूतरों के? नहीं, पूरे बाल काटा था मैं कबूतरों के, नहीं गया ये पर झड़ झड़ा 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 के नहीं वापस आ जाते हैं। बरसात में जैसे गीला शुरू हो गया तो पर झड़ जाते कबूतर के। ये कलसरा कबूतर बोलते हैं हम इसको। ये कबूतर मेरे घर आने के 3 साल हो गए। देखिए जैसा प्योर व्हाइट है, काली चूंच है और एकदम छोटी खोपड़ी इसकी। काली नाखून, गुलाबी पंजे और रिंग डली है। इसकी क्या उड़ान थी? ये उड़ा मेरे घर के 2:15 बजे तक से। और इसमें जितने भी कबूतर सब घर के, पकड़ा हुआ कोई भी नहीं? नहीं, पकड़ा हुआ कबूतर नहीं है। अभी आपको एक कबूतर बता रहा था मैं बीच में, नहीं गया आपके आके, तो वैसे कोई भी कबूतर दिख रहा हूँ ना मैं, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे कबूतर दिख रहे, हरे भी धूमे भी, और जो धूमे कबूतर है वो भी बहुत ज्यादा पुरानी नस्ल के। ये वाला कबूतर देखो, आपको बता रहा था ना अभी बीच में, देखो दोस्तों ये कबूतर है, क्या मस्त कबूतर है। और ये इनका बहुत ज्यादा उड़ा हुआ कबूतर है। ये मेरे कहने 8 साल का कबूतर है। इसकी उड़ान क्या थी? ये मेरे कहने 3:30 बजे तक से आया है। अभी पर काट में है ना? ऊपर पट्टे उड़ रहे थे करके मैं कबूतर नहीं गया, अभी बीच में उड़ाने निकाला था इसको। कबूतर है बंदूम का कबूतर है, कितना पूछी का देख लेते। पूछी आप क्या ज्यादा पूछ के कबूतर ने, मतलब 19 पूछ 22 पूछ है ना मेरे कहने, इसके तो पूछ देख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 2, 14 पूछी का। तितली उड़ाने इसकी? हाँ, तितली उड़ाने, खड़ा उड़ता है। जोड़ा लाया मैंने, मेरे दोस्त का यहाँ पर लेके गया था वो बच्चे बनाने के लिए, गजरा कबूतर मेरे दोस्त के यहाँ पर बच्चे बना लेके गया था, लेके आया मैंने। हाँ, ये कबूतर भी 10 साल का है। ये फुलसिरा कबूतर, फुलसिरा कलसिरा। इसकी आँख में पूरी प्रॉपर रिंग दिख रही है, देखिए पूरी प्रॉपर रिंग है इसकी आँख में, और बहुत ज्यादा उम्र का है, देखिए इसका मुंह फटा हुआ है बच्चे पाल पाल के। की उड़ान क्या थी? इसकी उड़ान नहीं गया, 3:30 बजे की उड़ान है। हाँ, उसकी मादी है ये, परकट के ही परकट पे है, गजरी कबूतरी है, सेम उसी की ऐसी। हाँ, बस उसकी काली सफेद पूंछ है और इसकी सफेद पूंछ है, इसको भी काली पूंछ है लेकिन झड़ रहे, कुछ पूंछ झड़ गए इसके और इसके पर दिए नहीं है दिल। देखो दोस्तों जब कबूतर छोड़ रहे तो एकदम अलग ही उड़ रहे इनके कबूतर। ये कबूतर मैं लाया था उधर हैदराबाद से। हैदराबाद का कबूतर है? हाँ, हैदराबाद से लाया था कबूतर, मैं जोड़ा ही लाया। ये देखिए इसकी मादी है, ये तो सेम दिख रही एकदम। वाह दोस्तों, बहुत ही प्यारे कबूतर, देखिए सफेद पर इसके, इधर के दोनों साइड के सफेद पर है, इसके भी इधर के भी, और इसके जो बगल के पर है वो सफेद हल्के थे, दोनों साइड के हैं। ये जक्षिण कबूतर है, ओरिजिनल जक्षिण। फिर मैं आपको एक एक बताता हूँ, इसके ऊपर साइड का फ्लोर है, ये जो बगल के पर इधर के। हाँ, ये देखिए आप, बहुत ज्यादा मस्त है ये, अलग ही डिजाइन बनी इसके परों में। ये पर है इसके ऐसे टाइप के है। तो इसकी उड़ान देख के लाए थे या मतलब आपने क्या देखा? इसके बीट बनाने लाया बच्चे। अच्छा, बच्चे बनाने के लिए। हाँ, ये भी 10 साल का कबूतर है, देखिए बहुत ज्यादा मोटी नाक है इसकी और मुंह का फटा हुआ है बच्चे पाल पाल के, और हल्की सी अनारी आँख में, मतलब से इधर चले गए कबूतर। और ये है उसकी मादी, देखिए इसके पूरे पर सफेद है, उसके बगल के पर सफेद है और इसके पूरे पर सफेद है। पेटी में डाल रहे क्या? अब दोस्तों आपको मैं इसकी मादी का शौक कराता हूँ। ये इसकी मादी है और क्या पर है देखिए दोस्तों कबूतर के, आप दोनों साइड के सफेद पर है, अलग ही जक्षिणी कबूतर है ये। और ये कबूतर इन्हें हैदराबाद से लेके आए, इसका नर का तो आपको शौक कराया हूँ मैंने। इसके काले नाखून ही प्योर है ना? पूरे काले नाखून है और अनारी आँख इसकी बिल्कुल एक जैसा पलक है उनके, सेम जैसा नर है ना वैसी मादी है, अनारी आँख में सफेद पर है इसके, काली पूंछ है और काले नाखून है। धुम्मे बताया 2-3 अभी नहीं गए, तो धुम्मे में के मेल की है, ये बड़ी कबूतरी है, 7 साल की कबूतरी है। इसकी क्या उड़ान थी? इसकी उड़ान तो 3:15 बजे की है, जब से पर काट के है ना। हाँ, जब से पर काट के मैं बच्चे बनाने के लिए रखा है। उनकी पहले की नस्ल में? हाँ, पहले नस्ल की है, उसमें से वो बच्चे बनाया। हाँ, ये कबूतर नया है क्या, मतलब पुराना कबूतर है ये? कलंक का अम्मल सरा कबूतर है। हाँ, तो एक ही जो है अभी दिख रहा मुझे। हाँ, एक ही है। बाकी आपके जो सिकरे कबूतर थे वो तो मैंने देखा था, जिनकी आपके यहाँ नस्ल थी, ये कौन सा कबूतर है? ये कासिया कबूतर बोलते हैं, कासिया नर कबूतर है, बच्चे खिला रहा है। काली चोंच है, प्योर व्हाइट है, और दोस्तों ये कबूतर बच्चे खिला रहा है इसलिए इसका मुंह थोड़ा खराब दिख रहा है आपको, और काली नाखून इसकी प्योर। जब मैं इनके पहली बार आया था तब मैंने आपको इसका ये कबूतर का शौक कराया था, बहुत हल्का उड़ रहा कबूतर है। हाँ, हल्का ही उड़ता है कबूतर। और अभी कुछ नए पट्टे तैयार हुए क्या अपने पास? नए पट्टे तैयार होंगे अभी, देखो ये कबूतर एक और है, वही मेरे का कबूतर है देखो, जो अभी आपने दिखाई। हाँ, ये भी बच्चे खिला रहा है कबूतर, देखे दोस्तों ऐसा कुछ कबूतर है ये, कोई बोलेंगे भाई भाई है दोनों। हाँ, खैरा कबूतर है ना? हाँ, खैरे में। देखे दोस्तों प्योर व्हाइट है
काली चोंच, काले नाखून और कुछ बड़े बड़े कबूतर इनके। ये आप बता रहे थे बीमार हो गया था, मगर ये कबूतर बीमारी से निकल गया था। कबूतर अच्छा हुआ, कबूतर बहुत मस्त कबूतर। देखे दोस्तों ये कौन सा, खैरा मुंडा। हाँ, खैरा मुंडा बोलते हैं इसको हम लोगों। बहुत ज्यादा मस्त है दोस्तों कबूतर। ये काली चोंच है, सफेद आंखें और काली नाखून है। और दोस्तों देखिए पंजे जो है इसके पूरे जामनी पंजे का कबूतर ही है। मतलब जैसे ये कबूतर उसकी नस्ल में प्योर है। और आपकी पेठी में एक जक्सीना कबूतर भी देखा मैंने यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा अलग ही था। वो भी एक दिखा दो बस, ये वाला जोड़ा। हाँ, ये घर के बच्चे, घर के बच्चे है। देखिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा मस्त कबूतर है। नीचे से पूरा काला है, देखिए नीचे से काला है पूरा और ऊपर सफेद है वो साइड से। और काली सफेद पूछे इसकी और पर सफेद है ना, क्या काली सफेद पर है? नहीं सफेद पर है ना, सफेद है। ये उड़ा हुआ है? हाँ उड़ा हुआ कबूतर है, जोड़ा है। दोस्तों मादी बताता हूँ, मादी भी दिखा दो। ये मादी, देखो दोस्तों सेम ही मादी लगाए उनने, बस ये मादी नीचे से थोड़ी मतलब सफेद है और ये पूरा काला है नीचे से। तो आज दोस्तों इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए पूरे कबूतर का शौक नहीं करेंगे। मगर दोस्तों जितने भी कबूतर का शौक इनने कराए, बहुत ज्यादा मस्त कबूतर है दोस्तों इनके पास के। जब मैं उड़ाने निकाला नहीं गया तो एक बार तो उड़े तो 10:30-11 बजे करीब बनाए, और दूसरे से उड़े नहीं तो 2:30-2 बजे करीब बनाए। उसके बाद में नहीं क्या मैं इनको उड़ाया, जो बड़े कबूतर उड़ रहे थे ना। तो दोस्तों अभी ये कबूतर बंद कर रहे हैं इनके, और देखिए एक बार में इनके पूरे कबूतर बंद हो जाते हैं क्योंकि बहुत देर से इनके कबूतर खुले थे। और दोस्तों यहाँ पे आने में थोड़ा लेट हो चुका था मैं क्योंकि मेरे भी कबूतर खुले थे, और दोस्तों मेरे दोस्त के बाद भी टाइम नहीं था।